हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स कब पेमेंट करेंगे, किन लोगों के लिए एक्सेप्शन है और उसका ड्यू डेट क्या है, वो आज हम लोग बात करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनिए। एडवांस टैक्स जिन लोग को एक साल में यानी उस फाइनेंशियल ईयर में लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रहा है, उन लोग को एडवांस टैक्स पेमेंट करना जरूरी है। एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे यानी एक्सेप्शन किन लोगों के लिए, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को, उसका बिजनेस इनकम नहीं होना जरूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी रेसिडेंट जो सीनियर सिटीजन है, बिजनेस इनकम नहीं होगा लेकिन उसका 10,000 से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है उस साल में, तो एडवांस टैक्स नहीं करने से भी चलेगा, यानी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन एडवांस टैक्स पेमेंट कैसे करेंगे, यानी चार क्वार्टर में आपको हम एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे। हर क्वार्टर में आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्लाब है किस किस परसेंटेज में आपको पेमेंट करना है। पहला जो क्वार्टर है जून 15 तक आपको क्या करना है, जो 15% आपका जो लायबिलिटी आ रहा है उसका 15% एडवांस टैक्स पेमेंट कर दीजिए। एंड सेकेंड क्वार्टर होता है क्या आपका 15 सितंबर, उसका अंदर में आपको जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसका 45% आप पेमेंट कर दीजिए। और उसका थर्ड क्वार्टर है 15 दिसंबर, उसका अंदर में आपको 75% जो टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसका 75% तक आप पेमेंट कर दीजिए। ये सब जो अप टू 75% तक, अप टू 45, ये सब चीज ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट क्वार्टर जो होता है 15 मार्च तक आपको क्या करना है कि आपका अप टू 100 तक जो टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसको आपको एडवांस टैक्स के जरिए पेमेंट कर दीजिए। इसमें क्या फायदा है कि आपको जब रिटर्न भरने के टाइम में आप पेमेंट करते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, उसमें लेकिन आपको इंटरेस्ट आ जा रहा है। जिन लोगों का 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आता है उसको इंटरेस्ट आ जाता है, आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर देते हैं तो आपको ये इंटरेस्ट से बचेंगे। तो आपको इंटरेस्ट बहुत बड़ा अमाउंट लग जाता है, इस चक्कर में आपको इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सिर्फ एक्सेप्शन है रेसिडेंटल सीनियर सिटीजन को, वो सीनियर रेसिडेंटल सीनियर सिटीजन का बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। बिजनेस इनकम होगा तो फिर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। सीनियर सिटी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन उसका जो टैक्स लायबिलिटी 50,000 भी आ रहा है तो भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे, उन लोग के लिए सिर्फ एक्सेप्शन है। एडवांस टैक्स का कैसे पेमेंट करेंगे उसका ऊपर वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल में है, उसका जो लिंक जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।